आज के टाइम पे जो रुपए की वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा लो है। एक साल पहले आप $1 से 73.50 रुपीज़ ले सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप $1 से 77.58 रुपीज़ खरीद सकते हो। यानी कि हमारा जो रुपये है वो 5% वैल्यू लूज़ कर गया है एक साल के अंदर। जब कभी भी जो डिमांड है इंडियन रुपये की वो ज़्यादा होती है और जो सप्लाई है वो कम होती है, तो उसकी जो वैल्यू वो बढ़ जाती है। लेकिन जब डिमांड कम होती है और जो सप्लाई ज़्यादा होती है, जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब जो इंडियन रुपये उसकी वैल्यू गिर क्यों रही है, इसका जो रिलेशन है वो पेंडेमिक से। जब पेंडेमिक आया तो जो इकोनॉमीज है वो बर्बाद हो गई, जो कंपनी से वो बैंकरप्ट हो गई, काफी लाखों लोगों की जॉब चली गई। इसके रिलेशन में जो गवर्नमेंट से और जो बैंक से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मनी को प्रिंट किया ताकि जो वो मनी है वो लोगों के हाथों में जाए और लोग स्पेंड करें और जो इकोनॉमी वो वापस पैरों पे खड़ी हुए। इसकी वजह से मदद मिली तो, लेकिन जिस करेंसी को उन्होंने प्रिंट किया था वो कुछ करेंसी उनकी कंट्री से बाहर भी चली गई। जैसे कि US फेडरल रिजर्व ने जब US डॉलर्स को प्रिंट किया तो जो डॉलर्स थे वो बाकी कंट्रीज में भी चले गए, उसका जो कुछ हिस्सा था वो इंडिया में भी आ गए इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने 2021 में $30 बिलियन को रिसीव किया और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से था जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। जब डॉलर हमारी कंट्री के अंदर आता है तो उसको रुपी के बदले में ट्रेड किया जाता है। तो जब डॉलर इतना ज्यादा आया हमारी कंट्री के अंदर, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो 3% बढ़ी लगभग उस टाइम पे, और जो डॉलर्स था उसको RBI ने इकट्ठा कर लिया और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें बढ़त आई। इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो $640 बिलियन हो गए। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है आप एक तरीके से इनको एक इंश्योरेंस समझ सकते हो, जिनको हम यूज करेंगे जब हमारे रुपए की वैल्यू फॉल करेगी। अब क्या हो रहा है कि जो US फेडरल रिजर्व है वो उन पॉलिसीज को रिवर्स कर रहा है जो वो पेंडेमिक के टाइम पे फॉलो कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, यानी कि उनकी जो करेंसी वो अट्रैक्टिव बन रही है। अब जो करेंसी अट्रैक्टिव बन रही है तो हमारी कंट्री से डॉलर फ्लो कर रहे बाहर की तरफ, USA की तरफ। इसकी वजह से क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने $21.5 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं पिछले 6 महीने में। तो अभी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रुपए है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर फ्लोट कर रहा है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और वो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। जब रुपये इतना ज़्यादा फ्लोट कर रहा है तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो आप ये सोच सकते हो कि जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो हमें रुपये देने पड़ते हैं, तो अगर वैल्यू गिर गई तो हमें ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, और अगर कंज्यूमर्स के को पास हो जाता है इन्फ्लेशन तो यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे अगर उनको कोई चीज़ खरीदनी है और जो इम्पोर्टेड है। RBI के हिसाब से जब की वैल्यू 5% से फॉल करती है तो जो इन्फ्लेशन है वो 0.15% से इंक्रीज करता है, और लेकिन RBI नहीं चाहता क्योंकि उसका जो मेन फोकस है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, और कंट्री के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है। तो इसलिए RBI फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ कर रहा है, वो डॉलर्स को सेल कर रहा है और रुपये है उसको परचेज कर रहा है। इसकी वजह से जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है वो काफ़ी गिर चुके हैं, वो $40 बिलियन से गिर चुके हैं, और जो अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे हैं वो $597 बिलियन बचे हैं। और हमें देखना पड़ेगा कि जो आगे का टाइम है रुपी के लिए वो कैसा है, रुपी कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और कब स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको जल्दी ही दूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।